प्रदेश में बढ़ रही हर्ष फायरिंग की घटना पर अंकुश लगाने के लिए अब थानों के चौकीदार बिन बुलाए मेहमान के रूप में बारात में शामिल होंगे और बारातियों में अपनी पैनी नजर रखेंगे। इसी के साथ अब थानों पर भी पुलिस मित्रों की नए सिरे से तैनाती होगी, जो अपने अपने क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया। शादी विवाह के समारोह में हर्ष फायरिंग की कई घटनाएं आपने देखा होगा और उसमें कई दुखद घटनाएं हुई है, लोगों की जानी गई है या घायल हुए हैं। इसको रोकथाम के लिए हम कई स्तर के प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो जो बाराती घराती लोगों से ये अपील है कि एक सुखद समारोह को ये हर्ष फायरिंग के चक्कर में अनावश्यक दुखद घटना में परिणत ना हो, तो इसकी कृपया इससे बचें, हर्ष फायरिंग से बचें। विभाग के लिए भी ये आदेश किया गया है कि जहाँ कहीं शादी समारोह हो वहाँ लोगों से समझा दें, बुझा दें कि हर्ष फायरिंग ना करें, उससे विरत रहें। कई बार तेज लगन के चलते कई जगह एक थाने में या एक चौकी छत्र में कई जगह शादी समारोह संपन्न होते हैं, तो ऐसे में जो हमारे ग्राम चौकीदार है उनकी भी सहयोग ली जाए या गांव में सम्राट लोग हैं उनके सहयोग लेके ये हर्ष फायरिंग के बारे में एक लोगों से लोगों को जागरूक करने के प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसे कमी आएगी हर्ष फायरिंग। सर, जो चौकीदारों के होगा जब हर्ष फायरिंग जब बारात चढ़ती है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो बारात चढ़ने के टाइम में द्वारचार के समय में ही ज़्यादा देखा गया है और इसलिए वही एक लोकेशन है जहाँ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें देखिए समस्याएं अनेक है, हमारे जो सूचना तंत्र है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इसलिए जनता की सहभागिता के लिए, जन सहयोग के लिए एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में जो पुलिस मित्र की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनता में से जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छाई चाहते हैं या इसके लिए समय दे सकते हैं, ऐसे लोगों को हम शामिल करेंगे, उनसे सहयोग लेंगे और मुझे विश्वास है कि इस माध्यम से कई छोटी बड़ी समस्याएं जो अपराध से संबंधित या आपसी विवाद से संबंधित या सामाजिक सौहार्द से संबंधित चीज़ों में हम व्यापक सुधार ला सकते हैं। तो क्या इसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को भी शामिल किया जाएगा? इसमें किसी भी प्रकार के जो विवाद से दूर रहने वाले लोग हों, जिनकी छवि ठीक हो, जिनका कहना लोग मानते हों, ऐसे लोगों के खोजे, वो चाहे कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, गांव के संभ्रांत आदमी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। हमने तो बच्चों तक को जो आपने देखा होगा, बच्चों को भी इस बारे में, बच्चियों को भी, तो ये मित्र एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिविल डिफेंस एक है, संगठन है, लेकिन केवल सिविल डिफेंस से या एक पर्टिकुलर ग्रुप से नहीं है। ये जैसे छात्रों के मामला है, छात्र छात्राओं के मामले में छात्र छात्राओं को ही बनाना उचित रहता है, क्योंकि उन्हीं के बात उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में बात वो पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली गांव देहात के विवाद इत्यादि में गांव के जो सम्भ्रांत नागरिक है, जिनकी छवि अच्छी है, जिनका कहना लोग मानते हैं, तो ऐसे लोगों की जो है रखे जाने से ये ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसमें साथी भी हो सकते हैं, इसमें उनके पास भी बहुत सारी सूचनाएँ, बहुत सारी जानकारी है, उनकी पहुँच गहराई तक है।